किशनगढ़ में बच्चों को पाठन सामग्री बांटकर व वृक्षारोपण कर डॉक्टर रघुजी शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। पूर्व चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार टेकड़ी विधायक एवं गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघुजी शर्मा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उनके प्रशंसकों द्वारा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मालियों की ढाणी मदनगंज में जरूरतमंद बच्चों को पाठन सामग्री जिसमें स्कूल बैग, शूज, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल व कॉपी आदि सामग्री का वितरण किया गया तथा विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की महत्ता की प्रेरणा बच्चों को दी गई। साथ ही सभी उपस्थित बच्चों को टॉफियां बांटकर जन्मदिन की खुशी में भी सम्मिलित किया गया। सुनील मारू के नेतृत्व में सरकारी स्कूल के जरूरतमंद बच्चों को पाठन सामग्री बांटकर बच्चों को पढ़ने के लिए जिस तरह उत्साहित किया गया उसके लिए प्रधान अध्यापिका आशा मंत्री ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। सुनील मारू ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के सभी लोग अपने जन्मदिन आदि पर फिजूल खर्ची न करके जरूरतमंद बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में अवसर प्रदान करें व उनकी मदद करें तो निश्चित ही गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी और वो पढ़ लिख कर समाज के कर्णधार बनेंगे तथा एक सभ्य समाज की संरचना होगी। जरूरतमंद सभी बच्चों को शिक्षा मिले इसके लिए सरकारी स्कूलों में संसाधनों को बढ़ाने की और आवश्यकता है जिसके लिए भामाशाह को भी आगे आना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में शाला के अध्यापक सुरेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। जन्मदिन कार्यक्रम में सुनील मारू, जगदीश जिंगर, मनसुख शर्मा, ओम कुमावत, उत्तम सिंह चौहान, हरिप्रसाद, कानाराम बिट्टू आदि, रघु शर्मा के प्रशंसक आदि उपस्थित रहे।